हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, इस वीडियो में जो ओपिनियंस हैं वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, तो हो सकता है आप मेरे ओपिनियंस से एग्री ना करें। अच्छा, आप जानते हैं एक मूवमेंट स्टार्ट की थी डीसी फैंस ने, रिलीज़ द स्नाइडर कट मूवमेंट, जिसको डीसी मूवीज़ के जो एक्टर्स हैं बेन एफ्लेक, गैल गैडोट, इन लोगों ने भी ज्वाइन किया था। और जैक स्नाइडर के फैंस ने तो इस ऑनलाइन ट्रेंड को ज्वाइन किया ही था कि भैया स्नाइडर कट रिलीज़ की जाए, जो जैक स्नाइडर का ओरिजिनल विजन था वो हमें देखना है। और बहुत से लोग जिनको जैक स्नाइडर उतने ज़्यादा एज अ डायरेक्टर पसंद नहीं भी थे, उन्होंने भी इस ट्रेंड में हिस्सा लिया था कि हाँ भैया जैक स्नाइडर का जो रियल विजन था वो एक बार पब्लिक देखना चाहेगी। यानी वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन ट्रेंड वो था, बिल्कुल भी टॉक्सिसिटी नहीं थी उस ट्रेंड में। ज़रा सा भी हम लोगों ने ये नहीं देखा था कि किसी एक्टर या किसी डायरेक्टर के अगेंस्ट कुछ गलत बोला है डीसी फैंस ने। जैसे आजकल आप जो देख रहे हैं, जो हैशटैग्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप जानते हैं कि कोई जेम्स गन को गाली बक रहा है, पीटर सेफ्रॉन को गाली बक रहा है, रॉबर्ट पैटिंसन को गाली बक रहा है, या मैट रीव्स को गाली बक रहा है। लेकिन जो रिलीज द स्नाइडर कट मूवमेंट थी वो बहुत ही साफ सुथरी मूवमेंट थी, बहुत ही साफ सुथरा ट्रेंड था और वो सक्सेस भी हुआ। फाइनली हमें स्नाइडर कट देखने को मिला। लेकिन एक और कट आप जानते हैं उसकी डिमांड डीसी फैंस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो है एयर कट, यानी डेविड एयर का जो ओरिजिनल वर्जन था सुसाइड स्क्वाड का। क्योंकि आप जानते हैं सुसाइड स्क्वाड का जो ओरिजिनल वर्जन था वो थोड़ा सा डार्क वर्जन था, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग के हिसाब से वो बना था। लेकिन बाद में डेडपूल के सक्सेस के बाद और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को जो आप जानते हैं मिक्स रिव्यूज़ मिले थे, तो वार्नर ब्रदर्स ने उस वर्जन को काफ़ी ज़्यादा चेंज करके थिएटर में जो वर्जन रिलीज़ किया था उसमें ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा भर दिया था। लेकिन आप जानते हैं उसे भी मिक्स रिव्यूज़ मिले थे। तो तब से मूवमेंट चल रही है कि भैया एयर कट को भी रिलीज़ किया जाए। तो डेविड एयर जो है, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे जेरेड लिटो की एक पिक अपनी स्टोरी पे लगाई है। अच्छा, आप इस पिक को देख सकते हैं, तो ये अनसीन पिक थी अब तक, यानी ये जो उनका डायरेक्टर कट वाला वर्जन है ये उसकी पिक है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा जोकर का होलिया भी थोड़ा सा अलग है। और बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जो हमारे बेन एफ्लेक के बैटमैन हैं, जैसा कि आप जानते हैं फ्रैंक मिलर के बैटमैन से वो इंस्पायर्ड हैं, तो डेविड एयर पहले फ्रैंक मिलर के जोकर से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेना चाह रहे थे अपने जेरेड लिटो के जोकर के लिए। लेकिन बाद में आप जानते हैं जो थिएटर में वर्जन रिलीज़ किया गया था उसको थोड़ा सा गैंगस्टर टाइप का दिखाने की कोशिश की थी वार्नर ब्रदर्स ने। अब गाइस मेन सवाल पे हम आते हैं, क्या हमको एयर कट कभी देखने को मिलेगा? तो ईमानदारी से जवाब दूं, प्रेजेंट सिचुएशन में तो मुझे नहीं लगता कि एयर कट रिलीज़ होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि वार्नर ब्रदर्स हम जानते हैं डीसी यूनिवर्स को सॉफ्ट रिबूट करने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं डीसी यूनिवर्स की पुरानी जो हालत थी वो क्या थी, कि किसी को पता ही नहीं था कि कौन सी मूवी कैनन है कौन सी मूवी कैनन नहीं है। भैया स्नाइडर कट कैनन है कि जस्टिस लीग कैनन है, द सुसाइड स्क्वाड जेम्स गन की कैनन है या 2016 में जो सुसाइड स्क्वाड रिलीज हुई थी वो कैनन है, वंडर वुमन 1984 कहां से फिट बैठती है इस टाइमलाइन में। यानी आप समझ रहे हैं ना, कंटिन्यूटी तो पता ही नहीं था कि भैया डीसी यूनिवर्स की कंटिन्यूटी क्या है। इसलिए आप जानते हैं जेम्स गन अब सॉफ्ट रिबूट कर रहे हैं डीसी यूनिवर्स को और एक परफेक्ट कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता एयर कट रिलीज़ की जाएगी, क्योंकि एयर कट अगर रिलीज़ कर देंगे और ऑब्वियसली हम जानते हैं वो थिएटर वर्जन से तो अच्छा ही होगा, तो आप जानते हैं इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि भैया क्या कैनन है, अब द सुसाइड स्क्वाड कैनन है कि थिएटर वर्जन 2016 वाला कैनन है कि भैया एयर कट कैनन है। आप समझ रहे हैं, इससे कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि वार्नर ब्रदर्स एयर कट रिलीज करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जिस टाइम स्नाइडर कट रिलीज किया गया था उस टाइम उम्मीद बन गई थी कि हो सकता है स्नाइडर कट रिलीज हुआ है तो एयर कट भी रिलीज कर दिया जाए, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने ऐसा नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि गाइस एयर कट रिलीज होगा फिलहाल कुछ सालों तक, बाद में भले ही HBO मैक्स पे कभी रिलीज कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल अगर हम इस पिक को देखें तो देख के ही लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा डार्कर वर्जन है ये इन कंपैरिजन टू वो जोकर जो हमको सुसाइड स्क्वाड थिएटर वर्जन में दिखाया गया था। हालांकि हम जानते हैं स्नाइडर कट में भी जेरेड लिटो का जो जोकर था उसने एक तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस दिया था 4 से 5 मिनट के सीन में भी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जेरेड लिटो को कभी सही से मौका नहीं मिला अपने ट्रू पोटेंशियल को दिखाने का। तो यही थी छोटी सी पिक जो डेविड एयर ने रिलीज की थी। मेरा पर्सनल ओपिनियन का यही है कि मुझे नहीं लगता कि एयर कट वार्नर ब्रदर्स रिलीज करेगा। आपको क्या लगता है कि एयर कट रिलीज होगा और क्या एयर कट रिलीज होना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन में जब वार्नर ब्रदर्स डीसी यूनिवर्स को सॉफ्ट रिबूट करने की कोशिश कर रहे हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।